डोनर का आप सिर्फ साइज चेक करो यार। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। मीट की आप शाइन चेक करो, उसमें से किस तरह से फैट मेल्ट होते हुए नीचे आ रहा है। ऐसी बिल्लियां तो लोग घरों में रखने को मरते हैं यार, और ये यहाँ इस्तांबुल की गलियों में बैठी हुई ऐसी। विच थाने पिलाव, उच्च थाने पिलाव। अस्सलामुअलैकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको भाई यार अच्छे से एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। और काफी लोग दुबई वीडियोस पे पूछ रहे थे कि अभी तो आप अबू धाबी गए थे, अभी दोबारा से दुबई क्यों आ गए। यार दुबई का हमारा जो ट्रिप था वो नवंबर के एंड से प्लान हुआ था, और मैंने टिकट्स करवाई हुई थी 30th जनवरी की, 30th दिसंबर की, कि 30th दिसंबर को हम जाएंगे, एक दिन स्टे करेंगे और फिर न्यू ईयर देखेंगे दुबई में। बट वो फिर अबू धाबी ट्रिप बीच में आ गया, तो फिर मुझे ये फ्लाइट्स आगे करनी पड़ी, जिसकी वजह से हम जनवरी के स्टार्ट में आए। खैर हमारा दुबई ट्रिप कंप्लीट हुआ, गाड़ी आई, गाड़ी में बैठे। अच्छा अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे थे, तो मुझे ये उन्होंने एक एनवेलप दिया कि आपके लिए है ये, तो मैं जरा खोल के आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो हमारे होटल पे कोई आया और उन्होंने ये दिया, इतना क्यूट किस्म का एक पेपर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी, फ्रॉम आयला 9 years old एंड मनूर इमान 6 years old, शिक्रा शपैक फूड गैंग एंटायर मेन्यू वी आर आर एच एस फॉर आर एच एस, मतलब जो दिल किया उन्होंने लिखा। और उसके बाद अंदर है जी, डियरेस्ट आर एच एस, वी आर योर ह्यूज फैंस, लव वॉचिंग योर वीडियोज, प्लीज शो द कार्ड ऑन द कैमरा। ले जी, शो द कार्ड ऑन द कैमरा, बाहर से बोला उन्होंने। काफी क्यूट सी रिक्वेस्ट है फ्रॉम आयला एंड इमान। थैंक यू आयला एंड इमान, नीचे नंबर भी मैंशन है, बट मुझे ये मिला ही अभी ये चेकआउट करते हुए। अभी हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, अदरवाइज मैं जरूर कॉल करता और मिलता। थैंक यू क्यूटू फैंस। ओके जैन भाई, बहुत अच्छा ट्रिप गुजरा आपके साथ दुबई में, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू भाई, शुक्रिया। जेंटलमैन वेलकम टू इस्तांबुल, दुनिया में मेरा एक फेवरेट सिटी, और मैं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस्तांबुल आऊं और एक्साइटेड ना हूं, इतना खूबसूरत है। और अभी आप चेक करोगे, मतलब मैं एक गली में खड़ा हूं, कितनी पीसफुल गली है, जिस तरफ भी घूमो एक खूबसूरत बिल्डिंग, खूबसूरत नज़ारे। और सर्दी अच्छी खासी है, इस टाइम टेम्परेचर 0 या 1 है, बट सनी डे है जिसकी वजह से बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ इस्तांबुल रोम व्यू। ओहो जी खूबसूरत, क्या यूरोपियन फील आ रही है मुझे कसम से। ये वाली जो गली की साइड है, ये देख के ऐसा लग रहा है मैं कहीं पे स्पेन की किसी गली में हूँ जो मैंने पिक्चर्स में देखी हुई है। मैं असल में बहुत ज़्यादा यूरोप को फैंटेसाइज करता हूँ, मुझे पसंद बहुत है, अभी तक गया नहीं हूँ मैं। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है इस्तांबुल जो आज तक मैंने तारीफें की हुई थी? तो मैं जो इस्तांबुल के हर टाइम गीत गाता रहता हूँ, उस हिसाब से आके लग रहा है कि ये कोई जगह है। Yes, obviously, अब मुझे थोड़ी थोड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है कि अगर इधर का ये वाला एरिया इतना प्यारा है, मतलब कोई भी गली इतनी प्यारी है। तो अभी हम लोग इस्तांबुल की सर्दी इंजॉय कर रहे हैं और फिलहाल निकलने लगे हैं आज इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा भाई, तो इस्तांबुल की सर्दी तो इंजॉय हो रही है, दो साल पहले मतलब पिछले साल में जुलाई में टर्की आया था, तो मेरी मुलाकात हुई थी तुर्कियान और जका से, दोबारा से ज्वाइन कर चुके। क्या हाल है जका, तुर्कियान? हम ठीक है, आप कैसे हैं? जबरदस्त, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू। हम लोग तकरीबन 2 साल पहले पहली बार मिले थे, होने वाला है 2 साल होने वाले, और उसके बाद हम सब ऐसे दोस्त बने कि अब तुर्की आते ही ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तुर्की आऊं तो हम ना मिलें, या ये लोग पाकिस्तान आए तो हम ना मिलें। तो कैसा, क्या प्लान है इस बार? मैंने तो 3 बार तुर्की देखा हुआ है, हमने बेसिकली महा को तुर्की दिखाना है। एक्चुअली अभी हमारी है सारी महा को दिखाना, हमसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इतनी भी सीधी बातें नहीं करनी होती महा, हमसे इम्पोर्टेंट नहीं है। डन यार, देखो अभी महा के आते ही तुर्कियान और महा का एक ग्रुप बन चुके, जका हम चलते हैं, आ जाओ इन्हें इन्हें दोनों को फिरने दो। चलो ये देखो भाई, सामने एक फिरारी खड़ी है जो टर्किश पुलिस की फिरारी है, और लोग सारे खड़े उसकी तस्वीरें बना रहे हैं। लोग इसलिए तस्वीरें नहीं बना रहे कि टर्किश पुलिस के पास फिरारी है, लोग तस्वीरें किस लिए बना रहे हैं तुर्कियान आपको ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। मैं
एक फैमिली थी, उस फैमिली ने ना बहुत ज्यादा अन्नी डाल दी थी। उन्होंने दुबई और जॉर्जिया से माफिया के पैसे उन्होंने तुर्की में व्हाइट मनी बनाया, बहुत ज्यादा अमीर हो गया। इवन एंड में उन्होंने ना अपनी बीवी के लिए हैप्पी बर्थडे में प्राइवेट जेट भी खरीद दिया। ओए होए 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 खरीदो। अच्छा रोज नहीं खरीद देती है, प्राइवेट जेट रोज नहीं खरीदती है। गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया, पूरी फैमिली जेल में, उनकी मोर देन 100 गरी अभी सारी तुर्किश गवर्नमेंट के हाथ में और ट्रैफिक पुलिस। गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ने एक फैमिली को जो दो नंबर काम कर रहे थे, अरबों रुपया यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, जिस भी तरीकों से कमा रहे थे, जॉर्जिया दुबई इधर उधर, उन्होंने अब पकड़ा उनको। इस तरह की वो जो फैमिली थी, अब जाहिर बात है आप लोगों को 100 फरारीज, बेंटलीज, बीएमडब्ल्यूज, मर्सिडीज क्या क्या कुछ उन्होंने ले लिया और फिर यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर अपनी सारा कुछ खुद एक्सपोज किया। उस फैमिली ने वो एक्सपोज किया तो टर्किश पुलिस की नज़र में आया कि ये क्या सीन है। इन्होंने इसको इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि सारा दो नंबर इलीगल काम चल रहा है। उन्होंने उसको पकड़ा, उसकी सारी 100 फरारियाँ, बेंटलीज और ये बीएमडब्ल्यूज, मर्सिडीज सारी पकड़ी, फैमिली को जेल में डाला। अब वो टर्किश पुलिस उनकी सारी लग्जरी कार्स को एज ए पुलिस कार यूज कर रही है इस्तांबुल में और वो इबरत का निशान बनाया हुआ है, वो सामने खड़ी है, लोग उसकी तस्वीरें बना रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में इट पुटो निकलेगा अरबोंपति। लेकिन पाकिस्तान इस काम में क्लेवर है ना, अरबोंपति होके भी शो करवाते हैं हम गरीब हैं तो वो फिर पकड़े नहीं जाते। ये देखो अब इस तरफ पुलिस खड़ी है, उन्होंने फरारी पार्क की हुई है और पुलिस खुद लोगों को अलाउ कर रही है कि भाई खड़े हो, तस्वीरें बनाओ। ये होती है इबरत का निशान। इस्तांबुल आते ही सबसे पहले इस्तिक्लाल स्ट्रीट, इस तरफ आपको सारी इस्तिक्लाल स्ट्रीट नजर आ रही है और ये मेरा फेवरेट डोनर, जब भी मैं कभी भी इस्तांबुल आऊं तो ये डोनर लाजमी मैं खाता हूँ क्योंकि मुझे पसंद बहुत है। कौन सा ले रहे हो भाई आप लोग? मेरे लिए मीट वाला, चिकन नहीं। जीवा पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जिंदाबाद। आप पाकिस्तान से? अफगानिस्तान से। सही सही। अपने गोश्त वाला खाने? मेरा गोश्त वाला। जब मैं पहली बार टर्की आया था तो यहाँ पे डोनर था तकरीबन 7 लीरा का, 10 लीरा का। जब मैं 2 साल पहले आया तब डोनर था 14 लीरा का या 16 का या 17 लीरा का। और इस टाइम आप इमेजिन कर सकते हो कि डोनर कितने का है। ये आपके सामने प्राइसेस हैं सिर्फ 2 साल के अंदर। जो 15-16 लीरा का मैं खाता था वो इस टाइम 200 लीरा का हो चुका है। और ये प्राइसेस का मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी इन्फ्लेशन, इस कदर प्राइसेस चेंज इतनी 2 साल में कैसे हो सकती हैं। 210 लीरा, 160 लीरा, 200 लीरा, ये चीजें 15-15 लीरा की होती थी 2 साल पहले, 14 लीरा, 15 लीरा, 16 लीरा। 2 साल हो गया, क्या करना चाहते हैं? सारी 40 में थोड़ी मतलब 2 साल के अंदर 15 या 16 लीरा से 200 लीरा। नहीं देखिए, 2 साल पहले गोश्त था 80 का, अभी ये सब सही कह रहा हूँ। जो भी है, हमें इस डोनर से मोहब्बत है क्योंकि इस जैसा डोनर, इस जैसा मीट कहीं दुनिया में मिल नहीं सकता। और इस तरफ मीट की आप शाइन चेक करो, उसमें से किस तरह से फैट मेल्ट होते हुए नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओए होए 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 होए। और इस तरफ है चिकन, चिकन डोनर, ये रेडी हो रहा है। डोनर का आप सिर्फ साइज चेक करो यार, 100 kg, इज इट 100 kg। और यहाँ पे डोनर के अलावा मेरा फेवरेट बर्गर, क्या भाई क्या बर्गर है? हैमबर्गर, बर्गर हलाल होता है ये। और ये महा ने जाके खरीद भी लिया, दो बाइट्स भी ले लिए। अच्छा कैसा लगा? तो आप नरम है ना? हाँ हाँ हाँ, तुर्की के मजे ही अलग है भाई। आपका डोनर? ओ मीट वाला, मीट वाला, थैंक यू। डोनर आगे देखिए, मीट 200 का है ना, उन्होंने इसे ऐसे पैकिंग किया है नॉर्मल। आप कितने का है? 130। क्या फर्क रह गया? 700 का, 700। मैं तो 700 कहूंगा। ये आपका है, थैंक यू वेरी मच। डोनर हमारे पास आ चुका है और डोनर की बाइट्स मैं ऊपर से ले चुका हूँ। इस्तांबुल में खड़े होके डोनर और मीट और ये सब मतलब कोई मुकाबला नहीं है। बट इस बार अभी पहले एक दो बाइट्स जो मैंने लिए उनमें मुझे लगा काफ़ी ड्राई है, बट अभी जब मीट आना शुरू हुआ अब अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं डोनर खाने के बाद हाफिज मुस्तफ़ा और आते ही हमें फ्री बकलावा मिला है। ओहो पिस्ताचियो बकलावा लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, ये अभी दिस वन, थैंक यू। एक लेके खाया, फ्री दिया उन्होंने, फिर दोबारा एक लिया, ये भी फ्री दिया।
ओए पिछले वाला मजे का था, बट असल गेम है इसकी। गाइस मैं तुर्की सुना ऐसी सिंपल बकलावा वॉलनट से बनती है, बाद में पिस्ताचो वाला उन्होंने एसेंशियल बना दिया। ये सबसे ज्यादा चाहिए है ना, सबसे अच्छा। आगे एक जगह इसमें आइसक्रीम भी रख के देते हैं ना, वो मेरी फेवरेट है। इसको खोलते हैं, दरमियान में आइसक्रीम डालते हैं, वो भी खाएंगे। मुफ्त में नहीं खा सकते वो, नहीं वो हम पैसे दे देंगे, ये तो हमने मुफ्ती खा ली है। अच्छा भाई, तो अभी हम लोग इस्तांबुल की सबसे फेमस इस्तकलाल स्ट्रीट में वॉक कर रहे हैं, और इस्तकलाल स्ट्रीट में कहते हैं कि अक्सर दिन ऐसे होते हैं साल के जब दिन में 3 मिलियन लोग एक दिन में इस स्ट्रीट को विजिट करते हैं। ₹50 ओए खूबसूरत गली यार, और इस टाइम भी पीक पे अपना रश चल रहा है यहाँ पे। अच्छा आप बता दें, शादी के बाद आपने वेट गेन किया? 5 किलो गेन किया था मैंने। इनको वजन की टेंशन पड़ी रहती है, हमें ये टेंशन होती है कि अगला क्या खाना है। खवातीन हज़रात इस्तिक्लाल स्ट्रीट गई भाड़ में, तुर्कियान को मिल गई है लॉटरी। निकलेगा मैं बाकी पाकिस्तान में भेजूंगा। नहीं, मुझे कितना गिफ्ट मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा तो दिखाओ भाई, कितने की लॉटरी है? 30 का है, 100 का है और 50 का है। 30, 100 और 50। कैश नहीं है, जका नहीं देना है। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम तुर्की में थे तो तुर्कियान ने एक लॉटरी ली, वो निकली, उसमें से वही लॉटरी वाले पैसे फिर से इन्वेस्ट किए, वो फिर निकले, फिर जो ली वो सारी खाली हो गई। तो चलो भाई देखते हैं, 0-0 अगर 3 मैच होंगे तो वो मिलेंगे ना पैसे। मैच होगा, मिलेगा, कोई भी नहीं मैच हुआ। कोई हुआ? शक्लें लटकी हैं क्योंकि कोई मैच नहीं हुआ इनका। हम लोग इस्तिक्लाल स्ट्रीट की वॉक करते करते पहुंच चुके हैं गलाटा टावर के सामने। ये गलाटा टावर कैसा लग रहा है अभी तक इस्तांबुल? वो एक एक वाइब है ना, जो लगता है कि ये कहीं और नहीं होता। हाँ, मतलब एक है कि आप सुकून से अपनी चल रहे हो, हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, हर तरफ शॉपिंग की लालच से साढ़े वास्ते खाने की लालच। खैर अभी हम लोग आए हैं जी गलाटा टावर के सामने, जो एक फेमस स्ट्रीट है, और इस स्ट्रीट के फेमस होने की वजह ये कलरफुल बिल्डिंग्स और इनके बीच में काफ़ी डिफरेंट कैफेज, जिनमें से ये कैफे जिसके लिए हम आए हैं वियना कहवेशी। यहाँ पे मिलता है भाई इस्तांबुल का मोस्ट फेमस सैन सेबेस्टियन चीज़ केक, जिसको मशहूर किया था हसबुल्ला। हमारे फेवरेट हसबुल्ला ने इसको फेमस किया था। वो जब चीज़ केक आएगा तो मैं आपको बताऊँगा क्यों, लेकिन यार इतनी खूबसूरत इस कैफ़े की वो फील है कि आप बाहर बैठे हो, एक कलरफुल बिल्डिंग्स इस्तांबुल की, पीछे गलाटा टावर थे, हम जरा चीज़ केक आना है तो ऐसी होती है नहीं पा देनी है बिचों। अच्छा भाई, यहाँ जब आते हो तो अंदर इन्होंने लाइन में सैन सेबेस्टियन चीज़ केक रखे हुए हैं, और काफ़ी डिजर्ट है, और हमारे पास आ चुका है, मैंने इसको उधेड़ भी दिया पहले ही, इसकी चॉकलेट ऊपर से उड़ा दी है मैंने, और ये सैन सेबेस्टियन चीज़ केक। अच्छा वैसे ऑनेस्टली चॉकलेट के साथ वायरल हो गया है, इसलिए वो अच्छा लगता है, बट मुझे लगता है केला चीज़ केक को तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लेन मुझे तो प्लेन अच्छा, मुझे भी प्लेन पसंद है ना, क्योंकि इसमें डोमिनेंट वो ज्यादा चॉकलेट की वजह से चीज़ केक की असली टेस्ट नहीं आ रही है। यार इतना मजे का चीज़ केक है, साथ में मेरी टर्किश कॉफी आ गई है। सबसे पहले एक दो स्पून के अंदर ज्यादा आपको चॉकलेट आती है तो उसकी वजह से चीज केक समझ नहीं आता, बट अब अंदर से चीज केक ये बेस्ट चीज केक है कसम से, और टर्किश कॉफी क्या ही बात है। और इन सब चीजों के साथ इस्तांबुल की ये गलियों के व्यू। ऐसी बिल्लियां तो लोग घरों में रखने को मरते हैं यार, और ये यहाँ इस्तांबुल की गलियों में बैठी हुई ऐसी। हेलो मानो, मारती तो नहीं है? हाय 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 हाय, देखिए इसे मेट्रो का रास्ता पता है। ये कुत्ता है कि कट्टा है? कितना प्यारा है यार ये। इधर एक कुत्ता है, ये वाले नहीं है वो, हाँ। लेकिन उसको अपना स्टॉप पता है, वो मेट्रो से ट्रेवल कर लेते हैं कसम से। वो यूसुफ सुल्तान वाले एरिया में कोई एक ही है वो मशहूर है कुत्ता। यहाँ पे एक डॉग है जो मशहूर है इस्तांबुल में, उसको अपना मेट्रो का स्टॉप पता है, वो मेट्रो स्टेशन पे जाता है, ट्रेन में बैठता है और अगले स्टॉप पे उतरता है। उधर रोटियां खाता है पूरा दिन, फिर मेट्रो में बैठता है, फिर वापस अपने स्टॉप पे जाता है। खैर ये सबसे मतलब पता है, मैं जब जिंदगी में पहली बार आया था ना इस्तांबुल, तब से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस्तांबुल सर्दियों में देखूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट सिटी है, मैं पहले सर्दियों में कभी नहीं आया। इतना खूबसूरत मौसम है, इसी में टेम्परेचर 5-6 है, सुबह 0 था, अभी हाथ रेड होते हैं जब बाहर वॉक करो, लेकिन ये सबसे अच्छा मौसम है।
ये देखो भाई, उसी फैमिली की एक और गाड़ी मर्सिडीज, सुबह इन्होंने फरारी खड़ी की हुई थी, अभी एक जगह पे ये मर्सिडीज खड़ी की हुई है। इस्तकलाल हमने एंजॉय किया और इस्तकलाल एंजॉय करने के बाद ट्रेन पकड़ी, हम लोग आ चुके हैं सुल्तान अहमद और इस टाइम सनसेट हो रहा है और जिस तरफ मैं नजर घुमाता हूँ इतना खूबसूरत सीन है हर तरफ, अनबिलीवेबल लग रहा है कि वो पिंक ऑरेंज ब्लू मिक्स जो है वो आसमान, बहुत ही एक पीसफुल सा क्रिएट हुआ हुआ एनवायरनमेंट सारा। ऊपर से सर्दियां हैं, टूरिस्ट थोड़ा कम है आज संडे शायद इस वजह से, लेकिन इतना खूबसूरत सीन है। पीछे मेरे आया सोफिया है, आपको नजर आ रही है, इसका भी एक लाइट्स ऑन होने के बाद जो सीन होता है वो बहुत अनबिलीवेबल है। बिल्कुल सामने ब्लू मॉस्क है, ब्लू मॉस्क के ऊपर इस टाइम चांद आ रहा है, सनसेट हो रहा है, बहुत खूबसूरत सीन है। और गाइस ये देखिए, और थैंक्स टू तुर्कान जिसने हमारे लिए ये वीडियो में पीछे से ना आ जाए। नहीं नहीं, थैंक्स टू तुर्कान जिसकी वजह से ये व्यू पॉसिबल हुआ, वरना से लोग पीछे पीछे आ जाते हैं। और इस टाइम सर्दी बढ़नी शुरू हो गई और अब बोलने में ना वो थोड़ी सी रुकावट आ रही है, मतलब ब्लू मॉस्क ऐसे बोला, ब्लू मॉस्क इस तरह बोला जा रहा है, लेकिन तुर्कान ने तो अपने आप को फुल पैक किया हुआ है। मॉस्क में ये देखो बिल्ली एंजॉय कर रही है। हेलो मानो, ये खेलने के मूड में, जैसे दुम कर रही है ना अभी ये अपनी। अभी हम लोग गए थे ब्लू मॉस्क के अंदर और ब्लू मॉस्क में वजू हमने किस तरह से किया है भाई, बहुत ठंडा पानी आप लोगों को पता है जगह की वजू के टाइम आवाजें कैसी निकल रही थी ऐसे कसम से, इतना ठंडा। मेरे देखो क्या क्या पहना, जैकेट फिर कोट फिर नीचे हाई नेक और पता नहीं क्या क्या। मुझे, मैं इस सर्दी को इंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज्यादा क्योंकि मुझे सर्दी पसंद बहुत है, बट अभी जिस तरह ना बोलने में रुकावट आ रही है वो वाली सर्दी है, सर्दी बहुत ज्यादा। उसी फैमिली की बेंटले, ये देखो बेंटले लेके फिर रहे हैं, बेंटली मर्सिडीज फरारी तीनों देख ली हमने उनकी आज। सुल्तान अहमद में हम लोग आ चुके हैं, अब क्या खाने के लिए तुर्कान? अभी हम खाएंगे फेमस सुल्तान अहमद कोफ्ता, बिल्कुल ब्लू मॉस्क के ऑपोजिट। बिल्कुल, जो मेरी जितनी भी आप इस्तांबुल की जो वीडियोस हैं निकाल के सीरीज देख लो, उनमें हर दफा जब भी मैं इस्तांबुल आया हूँ, दो बार ही आए हैं पहले, क्या मैं ऐसा इस समय ना हर छह महीने बाद आ रहा हूँ, हर साल तो मैं आ रहा हूँ लेकिन हर छह महीने बाद आ रहा हूँ। लास्ट साल 60 तुर्किश लिरा था, हाँ। अभी प्राइस देख के हमजा बढ़ जाए। So, ये सुल्तान अहमद का एरिया रात में, पीसफुल खूबसूरत सर्दियों का माहौल, और हम लोग ट्राई करने आए हैं सुल्तान अहमद कोफ्तशी। कोफ्तशी ये है जी सिंस 1920, और लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यहाँ बैठ के खाया था, अभी फिर हम अंदर जाएंगे इनके कोफ्ते शोफ्ते खाएंगे। किचन रेड और ये सामने बन रहे हैं कोफ्ते, ओए होए होए होए, ग्रिल लगाई हुई इन्होंने और ग्रिल पे बनते हैं कोफ्ते। अभी अस्सलाम वालेकुम, आए हाय हाय, ये जी जूसी कोफ्ते, ओए होए होए, मेरे इस्तांबुल में मोस्ट फेवरेट जूसीएस्ट टर्किश कोफ्ते। अभी मेरे सामने प्लेट ना रख, मैं खिंच जाने ने सारे दे सारे पिकल्स, विद पिकल्स ले जी, ये आपका पूरा मील रेडी। वो बता रहे हैं कि एक दिन में ये जो कोफ्ता की ट्रे नजर आ रही है आपको, इसके अंदर आप पता नहीं 100, 200, 300 कोफ्ते हैं, और वो कह रहे हैं कि एक दिन में ऐसी 50-60 ट्रेज सेल होती हैं, इतना माशाल्लाह कोफ्ता इनका जाता है। आप मुझे बताएं क्या बोलने में ऑर्डर करता हूँ, आपने कहना है कि कोफ्ते, एक ही कोफ्ता, बीफ टू जिशी, विच थाने पिलाव, उच्च थाने पिलाव, फसुले प्यास, मुझे नहीं समझ आती, थैंक यू। ड्रिंक क्या लेना है? अभी मैं बताती हूँ, दो साल पहले हमने कोफ्ता को एक प्लेट 60 तुर्किश लिरा में खाया, अभी हो चुकी है 210 तुर्किश लिरा। लेमशिश खाया था 120 तुर्किश लिरा में, अभी हो चुके 320। अच्छा भाई, हम लोगों ने कोफ्ता ऑर्डर कर दिया है, और यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ ना, इनका एम्बियंस तो बहुत खूबसूरत है, हर तरफ पिक्चर्स, ग्लास और सर्टिफिकेट्स चीज़ें लगी हुई हैं, बट हर बार मुझे आगे लगता है कि यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और नर्सेज पे रहें,
क्योंकि इनके जो स्टाफ का जो यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल इस तरह जैसे डॉक्टर्स का लैब कोट है। तो खाना आ गया छोड़ो बाकी सारी बातें, ये आ गए हमारे पिलाव। यस ले जी, हमारा खाना आ चुका है, कोफ्ते, और कोफ्ते आते ही साथ में रेड सॉस आ चुकी है, जो रेड सॉस इनकी बहुत मशहूर है, ये मतलब एक फेमस चीज़ है इनकी कोफ्तों के साथ। और क्या ही टेबल इस टाइम खूबसूरत लग रहा है, फ्राइज, राइस, कोफ्ते, रेड चटनी, साथ में ब्रेड, और अभी लैम शीश आने वाला है। गरम गरम खा ले, बहुत अच्छा है। मैं तो खाने लेकिन मैं नहीं मिस कर रहा। कैसा लग रहा है कोफ्ता? मुझे बहुत एपेटाइजिंग लग रहा है, इसलिए मैं खाने वाला। खाओ खाओ खाओ। और सारे खाने के साथ साथ हमारा शीश कबाब भी आ चुका है, और इतना कोई बेहतरीन शाइनी मीट है जो अंदर से पिंकी पिंकी है, इनकी पिंकी पोंकी। ओए होए होए होए, ये कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता आपको, इतने नेक्स्ट लेवल जूसी, इतने फ्लेवरफुल कबाब हैं इनके कि आप बैठ के जितने मर्जी खा जाओ। खाना शाना खाने के बाद मीठा तो मस्त है, हम लोग आ चुके हैं हाफिज़ मुस्तफ़ा पे, और हाफिज़ मुस्तफ़ा पे जब आप आते हो तो बकलावों का सीन इतना हैवी है कि आप देखते रहो, नज़रें घूमती रहें, बकलावे ख़त्म नहीं होंगे। खैर हम लोगों ने मंगवाया जी हमारे पास इस टाइम ट्रिलिचे ट्रेसलेचस केक है, और ये इस तरफ से ये जो टूटना है, हाय हाय हाय, खूबसूरत। और साथ ही हमारे पास आइसक्रीम बकलावा, पिस्ता की एक लेयर, नीचे भी पिस्ते और बकलावा और आइसक्रीम। इसको मुझे लगता है मैं तोड़ूं तो छुरी से तोड़ूं, ये चेक कर रहा, ये गया 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 गया। ओए आइसक्रीम मेरे ख्याल अंदर जाके थोड़ी सी आएगी, लेकिन अभी वैसी बाइट ले लेते हैं, ये चेक करो, यहाँ से निकाल लेते हैं। चल यार रहने दे, अपना ही है। होटल वापसी हो चुकी है ख़वातीन हज़रात, इस्तांबुल में पहला दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरा, मौसम बहुत ही अच्छा था। खैर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है, और कल हम बहुत एक मज़े की जगह पे जाने वाले हैं, तो देखना ज़रा।